शालोम। प्रभु यीशु का नाम में मैं सब लोगों को स्वागत करता हूं। भाई बहनों, आज हम यॉर्दन नदी पार किया उसके बारे में हम सिखाएंगे। उसका मतलब क्या है और उसका महत्व क्या है हम पढ़ेंगे। योशुआ 3 यहोशुआ अध्याय 3 पद 1 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे। यहोशुआ सवेरे उठा और सब इजरायलियों को साथ ले शित्तीम से कूच कर यर्दन के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले वही टिक गए और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुम को अपने परमेश्वर यहोवा का करार का संदूक और उसे उठाए हुए लेवी या याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कुछ करके उसके पीछे पीछे चलना, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे, तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। फिर यहोशुआ ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। तब यहोशुआ ने याजकों से कहा, करार का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इजरायलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था, वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ, और तू करार के संदूक के उठाने वाले याजकों को ये आज्ञा दे, जब तुम यर्दन के जल के किनारे पहुंचो, तब यर्दन में खड़े रहना। तब यहोशू ने इसराइलियों से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। और यहोशुआ कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है और वह तुम्हारे सामने से निसंदेह कनानियों, हित्तियों, हिब्बियों, परिजियों, गिरगाशियों, एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की करार का संदूक तुम्हारे आगे आगे यर्दन में जाने पर है, इसीलिए अब इज़राइल के गोत्रों में से 12 पुरुषों को चुन लो, वे एक एक गोत्र में से एक पुरुष हो, और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा का वो करार का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यर्दन के जल में पड़ेंगे, उस समय यर्दन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। इसीलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यर्दन पार जाने को कुछ किया और याजक करार का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले और संदूक के उठाने वाले यर्दन पर पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यर्दन तीर के जल में डूब गए। यर्दन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बाहर करता है। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सारतान के निकट है रुक कर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा, और जो जल अराबा का ताल जो खारा ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था वह पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए और याजक यहोवा का करार का संदूक उठाए हुए यर्दन के बीचों बीच पहुंच कर
स्थल पर स्थिर खड़े रहे और सब इजरायली स्थल ही स्थल पार उतरते रहे। अंत में उस सारी जाति के लोग यर्दन पार हो गए। यह प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए आज आज का संदेश के लिए, ये प्रभु का शब्द के लिए हम सब साथ में मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया प्रभु यीशु, बहुत धन्यवाद देते प्रभु आपका ये महान प्रभु शब्द के लिए। प्रभु सच में प्रभु यीशु, जैसे आज हम सीखेंगे प्रभु यीशु, हमारे हृदय को कठोर नहीं करना, लेकिन प्रभु सच में कठोर हृदय को पिघलाना प्रभु यीशु, और एक सही जमीन बनने के लिए कि वो आपका एक एक शब्द सुने और छिदे और ये सच्चाई को ग्रहण करेगा, इसीलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। सच में प्रभु यीशु आपका अनुग्रह और आपका अभिषेक पिताजी के ऊपर उंडेलना, एक एक शब्द जो वो आज बोलेंगे प्रभु, सच में पवित्र आत्मा उनको अगुवाई करना, उनको मार्गदर्शन देना, और लोगों को ये समझने के लिए उनका स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान आप खोलते, इसीलिए धन्यवाद देते। ये प्रार्थना के नाम से करते। शलोम भाई बहनों, बाइबल में, प्रभु का वचन में, पवित्र वचन में दो पार करना के बारे में, घटना के बारे में लिखा गया है। एक है लाल समुद्र पार करना और दूसरा है यॉर्डन नदी पार करना। दोनों बड़े चमत्कार थे और दोनों घटना में परमेश्वर ने जो पानी है वो दुबागा और पानी जमा होकर खड़ा हुआ दोनों बाजू में, और जमीन सूखी जमीन में ये लोग का चल के पार किया। भाई बहनों, पहला जो पार किया वो है लाल समुद्र, वहां मूसा लीडर था और उसने कैसा ये चमत्कार कैसा हुआ, जैसा परमेश्वर ने उसको बोला था कि तू पानी के ऊपर लाठी मारो और ये लाल समुद्र खुल जाएगा। और दूसरा जो घटना है पार करने का, वहां परमेश्वर ने यहोशुआ को बोला कि तू करार का संदूक लेकर जाओ और लेवी यजोका ने खांदों के ऊपर ये करार का संदूक उठाया और ये लोग का ये लोगों ने पार किया। भाई बहनों, पूरा स्टोरी पूरा घटना आपने सुना है, कैसा परमेश्वर ने उनको निर्देश दिया था वैसा उन्होंने किया, जैसा ये याजक यर्दन नदी में पैर रखेंगे तभी ये चमत्कार हो जाएगा कि पानी अलग हो जाएगी और दो बाजू में खड़े रहेंगे और लोग क्रॉस करेंगे, पार करेंगे। वैसा ही जैसा ये पहुंच जाते हैं और ये याजक जमीन पर उनका पैर रखते हैं, तभी वापस
ये पानी वापस बहने को शुरू करेगी। मूसा का ये समय भी वैसा ही हुआ, जैसा उसने लाठी मारा पानी खुल गया और लोग सूखी जमीन में चल के गया। भाई बहनों, एक महत्वपूर्ण घटना है और उसका महत्व और अर्थ समझना बहुत जरूरी है। पहला जो लाल समुद्र पार करना करने का घटना था, वो क्या दर्शाता है? वो मिस्र देश से, मिस्र देश का बंधन, फिरौन का बंधन से छुटकारा। और इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये उधर लिखा है 1 कुरिन्थी 10:2 में कि उनको मूसा में बपतिस्मा दिया, मूसा में। और मूसा कौन था? मूसा को परमेश्वर ने नियुक्त किया था एक तारक बनने के लिए, जो छुटकारा देता है। अलग अलग चमत्कार के द्वारा परमेश्वर ने फिरौन को मजबूर किया इज़राइल का लोगों को जाने को, बाहर जाने को, मिस्र देश छोड़ने के लिए परवानगी देने के लिए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्या दर्शाता है? संपूर्ण अलग दई, मतलब हम ये समझना चाहिए कि जब भी परमेश्वर हमको छुटकारा देना चाहता है, तभी हम जो हमारा पुराना जीवन है, शैतान का जो बंधन है, पाप का जो बंधन है, पापी संसार जो है, उसमें से हम बिल्कुल अलग होना चाहिए। और ये हमारा खुद का छुटकारा के लिए, उद्धार के लिए, तारण के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ऐसा आज ऐसा नहीं होता है, इसलिए हमारा बपतिस्मा एक असफल होता है। दूसरा क्रॉसिंग में ये चमत्कार होने के लिए परमेश्वर ने बोला करार का संदूक लेकर जाओ आगे। सो ये याजक जो करार का संदूक उठाया, ये लोग आगे जा रहे हैं, मतलब करार का संदूक उनको मार्ग दिखा रहे हैं। परमेश्वर ने बोला ये मार्ग में तुम लोग अभी तक गया नहीं, देखा नहीं, तो मैं तुमको दिखाएगा। तो भाई बहनों, ये जो करार का संदूक है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। और परमेश्वर हमको इसके द्वारा कुछ तो सिखाना चाहता है। इस बार लाठी नहीं है, सिर्फ करार का संदूक। क्यों? क्यों? यॉर्दन प्रभु यीशु के साथ जुड़ा है। प्रभु यीशु मसीह ने उसका
पानी का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, ये करार सॉरी ये यॉर्दान नदी में ये बपतिस्मा लिया था। तो जब भी ये यॉर्दान का बात आता है तभी तुरंत हमको याद आता है प्रभु यीशु मसीह ने यॉर्दान में बपतिस्मा लिया था। तो ये दूसरा जो क्रॉसिंग है, जो पार करना का घटना है, वो हमारा बपतिस्मा को दर्शाता है, पानी में बपतिस्मा और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा। भाई बहनों, हम ऐसा ही भी बोल सकते हैं, ये सब लोगों ने जैसा वहां लिखा है मूसा में बपतिस्मा लिया, ये लोगों ने योशुआ में बपतिस्मा लिया। और ये नाम योशुआ का बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? प्रभु यीशु का नाम भी इब्रानी भाषा में यशुआ है। तो यशुआ प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है और प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा को दर्शाता है। तो यहां हम समझ सकते हैं कि कितना ये जो करार है वो कितना महत्वपूर्ण है हमारा बपतिस्मा के लिए। अभी लाठी नहीं है, अभी हमारा बपतिस्मा करार के साथ होना है। और हमको प्रभु यीशु में हमको डुबाया जाता है, हमको बैप्टाइज करते हैं। और ये बपतिस्मा के द्वारा जैसा इज़राइल का लोग, इज़राइल का लोगों ने प्रतिज्ञा का देश में प्रवेश किया, वैसा ही हमारा पानी में बपतिस्मा और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा के द्वारा हम हमारा जो प्रतिज्ञा का देश है, स्वर्गीय राज है, परमेश्वर का राज है और अनंत काल जीवन है, उसमें हम प्रवेश करते हैं। भाई बहनों, करार बहुत महत्वपूर्ण है। करार का बिना बपतिस्मा नहीं ले सकते। अभी ये करार क्या है? ये करार में बहुत सारे चीज शामिल होते हैं। पहला है पश्चाताप, उसके बाद संसार से अलग दही, त्यागीकरण, पूरा मिश्र देश छोड़ना है, मिश्र देश का वापस याद नहीं करने गए, हमारा पाप का जीवन का हम याद बंद करना है, वो पाप का जीवन की ओर हम सोचना भी नहीं चाहिए और वैसा जीवन नहीं जीना चाहिए। उसके बाद करार, समर्पण का करार, समर्पण का करार, शादी का करार, प्रेम, विश्वास और विश्वास योग्यता का रिश्ता का करार करना जरूरी है प्रभु यीशु के साथ। जैसा एक संसारी शादी में होता है, ये शादी का करार है। तो भाई बहनों, हम बपतिस्मा नहीं ले सकते हैं जब तक हम ये करार नहीं करेंगे।
देखो भाई बहनों, आज हजार हजार लोग है, मसीह लोग है, ये सब झूठे कलीसिया में, जो लोगों का बपतिस्मा सही बपतिस्मा नहीं है, तो इनको हम बोल सकते हैं रेगिस्तान का मसीह। अभी भी रेगिस्तान में जी रहे, उन्होंने यॉर्डन पार नहीं किया। क्यों? उन्होंने करार नहीं किया, उनको संसारी जीवन छोड़ने का नहीं है, उनको पैसा का प्रेम है, परिवार का प्रेम है, जमीन का प्रेम है, मिश्र देश का प्रेम है, मेरा गांव का प्रेम है। भाई बहनों, मैं किसी को दोष नहीं लगाता हूं, लेकिन ये दुखी बात मैं तुम्हारा सामने रखना चाहता हूं कि जो आज का जो पास्टर लोग है उनको खुद मालूम नहीं है, ये लोगों का भी कभी सही रीति से नया जन्म नहीं हुआ तो दूसरे लोगों को क्या सिखाएंगे। आज कोई भी कलीसिया खुला करते हैं, रिक्शा वाला सब कुछ, देखो जब भी इंजीनियर बनने गए कितना शिक्षा है, कितना साल, डॉक्टर बनने के लिए कितना साल, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए कितना साल, भाई हर एक बातों में एक ट्रेनिंग होना चाहिए। हम बराबर परमेश्वर का जो पवित्र वचन है वो सीखना है, सही शिष्य बनना है, बाद में पास्टर बनेंगे। आज सब लोगों को एक गाई है पास्टर बनने के लिए कि उनको मान सम्मान चाहिए, कोई उनको बोले पास्टर है। भाई बहनों, इसके वजह आज प्रभु का कलीसिया इतना कमजोर हो गया, एक दुनियादारी कलीसिया हो गया और एक धार्मिक कलीसिया हो गया और मसीह लोग नमदारी मसीह हो गया। भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम योद्धा बने, ये मैं तुमको दूसरे बार सिखाऊंगा। योद्धा बनने गए, लेकिन योद्धा बनने के लिए पहला हमारा ये नींव मजबूत करने गए। नींव क्या है? करार, और करार का जीवन, सही पानी का बपतिस्मा, सही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। लेकिन ये लोगों ने हमारा चर्च का जो ये है प्रचारक है लीडर है, ये लोगों ने एक 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 धर्म बनाया मसीहत का, धार्मिक मसीह लोग, ये धार्मिक लोग क्या, जैसा हिंदू धर्म है वैसा अभी क्रिश्चियन धर्म हो गया। इसके लिए कि सही रीति से नया जन्म नहीं हुआ, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला ही नहीं, कुछ नहीं, एक धंधा बन गया। तो भाई बहनों, इसके लिए ये करार बहुत जरूरी है। हम पढ़ेंगे योशुआ 3:5। यहोशुआ अध्याय 3:5। फिर यहोशुआ ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। शलोम। भाई बहनों, आप नहीं समझते हैं कि बपतिस्मा कितना बड़ा चमत्कार है। पानी का बपतिस्मा होने दो, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होने दो। आज बहुत कलीसिया सिखाते हैं वो एक चिन्ह है, ये है वो है, मतलब उसका कोई मूल्य नहीं है, वो ऐसे ही एक नहीं। भाई बहनों, पानी का बपतिस्मा एक बहुत बड़ा घटना है और बहुत बड़ा चमत्कार है। उस समय इतना बड़ा चमत्कार होता है कि बहुत लोगों को मालूम नहीं है, ये जो हकीकत है तो मालूम नहीं उनको। प्रभु का वचन बोलता है कि वहां
पुराना मनुष्य को क्रूस के ऊपर चढ़ाया। आज ये कोई सिखाता ही नहीं कि ये पुराना मनुष्य क्या है, ये हमारा स्वयं है, शैतान का स्वभाव है, वो क्रूस के ऊपर चढ़ाते हैं, वो भी सब चिन्ह है, चिन्ह, ये चिन्ह नहीं है, ये हकीकत है। उधर चढ़ाने के बाद, क्रूस के ऊपर चढ़ाने के बाद हमारा स्वयं मर जाता है, वो पुराना जो मनुष्य है वो मर जाता है, ये नहीं सिखाता है, ये चिन्ह है। और बाद में प्रभु का वचन बोलता है रोमी शे में कि हम नया मनुष्य बन जाते हैं, ये भी एक चिन्ह है, को सचमुच नया बन जाते हैं, हमारा पाप क्षमा होता है, पाप का जो जड़ है वो निकल जाते हैं। भाई बहनों, परमेश्वर बोलते हैं पहला पवित्र करो। पवित्र कैसा करने गए, कैसा समर्पण करने गए, ये है समर्पण, सही पश्चाताप, सही संसार से अलग दई, 100% हमारा प्रेम और विश्वास का समर्पण प्रभु यीशु की ओर, हमारा विश्वास योग्यता, वफादारी। दो मालिक का हम सेवा नहीं कर सकते। आज हम लोग संसार का सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं, अब प्रभु यीशु का भी प्रेम करते हैं, ऐसा लोगों को मसीह नहीं बोल सकते भाई बहनों। लेकिन जब भी ये कोई सिखाएगा नहीं तो हमारा लोग कैसा जानेंगे, कैसा सही मसीह बन जाएंगे, समझ लो भाई। कॉन्सेक्रेट योर सेल्फ, समर्पण करो, पवित्र बनो, पश्चाताप करो, प्रभु यीशु पर विश्वास करो। दिमाग का विश्वास नहीं है, दिल का, पूरा जीवन का समर्पण करो कि हम सिर्फ प्रभु यीशु के लिए जिएंगे, हम संसार के लिए नहीं जिएंगे, हम पैसा के लिए नहीं जिएंगे, नौकरी के लिए नहीं जिएंगे, परिवार के लिए नहीं जिएंगे, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए जिएंगे। वो हमारा करार है, वो शादी का करार है, हम प्रभु यीशु के साथ शादी करते हैं। ऐसा संसारी शादी में हम हमारा जो साथी है, पति है, पत्नी है, उनके लिए वैसा ही है। प्रभु यीशु के साथ जो शादी है वो संसारी शादी से बढ़कर है। तभी तुम महान चमत्कार देखेंगे परमेश्वर की ओर से। भाई बहनों, हमारा तैयारी ही नहीं रहता है पानी का बपतिस्मा के लिए, किसी को भी दुबाता है, उनको लगता है ये क्या एक मैजिक है, मैजिक, ये मैजिक नहीं भाई बहनों। सही रीति से हम कॉन्सेक्रेशन, समर्पण और पवित्रता नहीं होगा तभी हमारा बपतिस्मा का कोई ये नहीं है, मूल्य नहीं है। देखो भाई बहनों, वचन में तीन बपतिस्मा के बारे में बताया, एक मूसा में बपतिस्मा लिया, दूसरा है योहाना बपतिस्मा दाता में बपतिस्मा लिया, और तीसरा है यीशु में बपतिस्मा लिया। भाई बहनों, ये योहाना बपतिस्मा दाता का जो बपतिस्मा है उसको बोलता है पश्चाताप का बपतिस्मा। हम पढ़ेंगे Acts 19:3-6। प्रेषितों के काम अध्याय 19 पद 3 से लेकर 6 तक। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसमें बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, योहाना का बपतिस्मा में। पौलुस ने कहा, योहाना ने ये कहकर मन बदलाव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात
यीशु पर विश्वास करना। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और नबुवत करने लगे। शलोम भाई बहनों, ये दो बपतिस्मा तैयारी का बपतिस्मा थे, सही बपतिस्मा के लिए। प्रभु यीशु में बपतिस्मा होता है उसके लिए तैयारी के लिए। हमने भी ऐसा ही तैयारी करने गए, ऐसा ही समर्पण करने गए, ऐसा ही पवित्र बनना है। जब भी हम ये रीति से प्रभु यीशु में हमको डुबाया जाएगा, बपतिस्मा मिलेगा, तभी उसी समय हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी मिलता है। आज देखा लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिलता है, बाद में ये लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये करते हैं, उनको उनके और प्रार्थना करने के लिए कोई जरूरी नहीं है। ये क्यों नहीं मिलता है उनको? कि मैंने तुमको सिखाया पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वो क्या है, एक सिक्का है परमेश्वर की ओर से कि मैंने वो पानी का बपतिस्मा अप्रूव किया, मान्यता दिया, तभी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है। वो दान मिलता है अन्य भाषा का, इसलिए उनको नहीं मिलता है क्योंकि बपतिस्मा सही नहीं है। भाई बहनों, आज अलग अलग शिक्षा चल रहे हैं, लेकिन ये सब अलग अलग शिक्षा, बड़ा बड़ा देवज्ञानी और थियोलॉजियंस, क्या फायदा? हमको एक धर्म का बेस है लेकिन अंदर शक्ति नहीं है, इसलिए लोगों का उद्धार भी नहीं होता है। क्यों? हमारे पास पवित्र आत्मा का शक्ति नहीं है, चमत्कार का शक्ति नहीं है। इतना सारा लोग है जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते है। क्या हो रहे? नमदारी मसीह बना के क्या फायदा? ठीक है, वो एक आंकड़ा बन जाता है नंबर, लेकिन सही मसीह, सही शीश, सही योद्धा, सही प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन नहीं बनते। इसलिए प्रभु ऐसा मसीह लोगों का इस्तेमाल नहीं कर सकते और उनका गवाही बहुत कमजोर है, जीवन में कोई बराबर गवाही नहीं है उनका बीच में। और जो जो दूसरा लोक है, जो मसीह लोक नहीं है, क्या फर्क है उनका जीवन में? ये देखो भाई बहनों, क्यों? करार नहीं है, करार का संदूक उनका दिल में नहीं है। करार का संदूक क्या दर्शाता है? परमेश्वर को उपस्थिति, परमेश्वर का पवित्रता, परमेश्वर का समर्थ शक्ति और परमेश्वर का विश्वास योग्यता। करार के द्वारा हमारा अंदर परमेश्वर रहता है और वो विश्वास योग्य है। भाई बहनों, करार इतना इतना महत्वपूर्ण है, जैसा शादी का करार का बिना शादी नहीं होता है, वैसा ही प्रभु यीशु के साथ करार का बिना हमारा नया जन्म नहीं होता है। आज ये एक रीत रिवाज बन गया बपतिस्मा, उसमें कोई समर्थ नहीं, कोई शक्ति नहीं, सिर्फ रीत रिवाज। ऐसा मसीह लोग पास क्या सामर्थ्य है, क्या गवाह बनेंगे, क्या सुसमाचार प्रचार करेंगे? पौलुस बोलता है मैं सिर्फ शब्दों के द्वारा सुसमाचार प्रचार नहीं करता हूं, लेकिन
सामर्थ्य का प्रदर्शन के साथ। आज ये नहीं है, आज पैम्फलेट देते हैं, पर्ची पर्ची बांटे। पर्ची से क्या होते है? क्यों ऐसा होता है? क्यों? ये खुद सही मसीह नहीं है। तो बाद में नया नया आइडियाज निकालते हैं, नया नया तरीका सुसमाचार प्रचार करने का। ये एक ही तरीका है और ये हम लोगों को सिखाने का है। सिर्फ संपूर्ण समर्पण एक नींव है हमारा आत्मिक जीवन का, और वही करार हमको योग्य बनाता है प्रभु यीशु के साथ शादी करने के लिए और प्रतिज्ञा का देश में प्रवेश करने के लिए, नया जन्म पाने के लिए और स्वर्गीय राज में प्रवेश करने के लिए। तो भाई बहनों, एक तरीके से हम लोग का ये जो जासूस थे उनका जैसा है। 10 जासूस ने अविश्वास का रिपोर्ट दिया, अविश्वास का। ये लोगों ने बोला परमेश्वर ने हमको प्रतिज्ञा दिया ये देश का, लेकिन हम नहीं जा सकते हैं, इधर बड़े बड़े राक्षस है, इधर कैसा करेंगे हम, कैसा विजय पाएंगे। भाई बहनों, जब भी परमेश्वर हमको बोलता है, वो हमको आश्वासन देता है, वो हमको प्रतिज्ञा देता है, तो हम परमेश्वर की ओर हमारा अविश्वास दिखाते हैं। लेकिन योशुआ और कैलेब ने क्या बोला? वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं, हम जा सकते हैं, परमेश्वर का जो उपस्थिति है वो हमारे साथ है, उसका उसका संदूक हमारे हमारे साथ है, हमारा बीच में है, परमेश्वर का सामर्थ से हम सब कुछ कर सकते हैं। ये विश्वास किधर है भाई बहना? आजकल तुम क्या बनना चाहते हैं? अविश्वासी अविश्वासी, जैसा हम शादी करते हैं, एक पत्नी पति के और पूरा विश्वास रखते हैं। हर एक उसका जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो पति को बोलते हैं, और पति और पत्नी को पति के और विश्वास है। भाई बहनों, प्रभु यीशु हमारा दूल्हा है, उसके साथ हमने शादी किया, जिन्होंने सही बपतिस्मा लिया, तो वो हमारा और अविश्वासियों की हो कर गएगा, हमको मदद नहीं करेगा, हमको पाप के ऊपर विजय नहीं मिलेगा। यही तो है, वहां लिखा है कि उधर हिताइट साहब ये है वो है, अलग अलग तरीका का लोग है। परमेश्वर बोलता है मैं तुमको विजय देगा, मैं तुमको विजय देगा। भाई बहनों, हमको क्यों ये शक है कि हमको पाप के ऊपर विजय नहीं मिल सकते? क्यों? क्यों हमारा बपतिस्म सही नहीं हुआ, हमारा नया जन्म नहीं बराबर नहीं हुआ, इसलिए हमको पाप के ऊपर विजय नहीं मिलते? ये मैंने मेरा अनुभव का बात मैं बोल रहा हूं। हमारा परमेश्वर करार का परमेश्वर है और वो चाहता है कि उसका लोक भी करार का लोक बने। ये हमारा आत्मिक जीवन का नींव है, हमारा उद्धार का नया जन्म का नींव है।
और हम डरते हैं ऐसा मन्नत करने के लिए, जैसा शादी में हम मन्नत करता है, वाउज ऑफ द मैरिज शपथ लेता है, आत्मिक जीवन में प्रभु यीशु के साथ शादी करने में हमको डर लगते है क्यों, हमको अभी तक संसार का प्रेम है, फिर भी बपतिस्मा लेते हैं। कोई नहीं ले सकते जब तक हम ये शपथ नहीं लेंगे, प्रभु मैं संसार का नफरत करना चाहता हूं, मैं संसार से अलग होना चाहता हूं, संसार के हिसाब से मैं नहीं जीना चाहता हूं, मुझे मदद करो प्रभु। प्रभु करेगा, हमको कोशिश करने का कोई जरूरत नहीं। ये करार अनुग्रह का करार है, परमेश्वर शक्ति देते हैं। ये लोग क्यों फेल हो गया, क्यों हार पाया इज़राइल का लोगों ने रेगिस्तान में, कि उनके पास अनुग्रह का करार नहीं था। जो करार उनके पास था वो नियम शास्त्र था, नियम शास्त्र का करार। कानून का करार, कानून का करार में, नियम शास्त्र का करार में कोई शक्ति नहीं है पाप के ऊपर विजय पाने के लिए। तो सब लोगों ने पाप किया, पाप में गिरा, मर गया। भाई बहनों, हमको परमेश्वर ने एक ये दिया, सौभाग्य दिया अनुग्रह का करार में जीने के लिए और उद्धार पाने के लिए, नया जन्म पाने के लिए। फिर भी हम डरते हैं, ये क्या नियम शास्त्र का नहीं है, ये करो वो करो, ये मत करो वो मत करो। सही नया जन्म होगा, सही बपतिस्मा हम लेंगे और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेंगे, हमारे पास शक्ति है, हम सब सब कुछ कर सकते हैं, हर एक पाप के ऊपर विजय पा सकते हैं परमेश्वर का अनुग्रह से, पवित्र आत्मा का शक्ति से। देखो निर्गमन अध्याय 32 पद 21 से लेकर 28, तब मूसा हारून से कहने लगा, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसाया? हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप ने भड़के, तू तो इन लोगों को जानता ही है कि ये बुराई में मन लगाए रहते हैं, और उन्होंने मुझसे कहा, हमारे लिए देवता बनवा जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से छुड़ा लाया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। तब मैंने उनसे कहा, जिसके पास सोने के गहने हो वे उनको उतार लाए, और जब उन्होंने मुझको वह दिया, मैंने उन्हें आग में डाल दिया, तब ये बछड़ा निकल पड़ा। हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हो गए। भाई बहनों, जब भी मूसा सिनाई पर्वत में गया था और वहां उनको परमेश्वर ने ये 10 आज्ञा दिया पत्थर के ऊपर, नीचे क्या चल रहा था? जो मिश्र देश से उन्होंने सोना लाया था, वो सोना उन्होंने हारून को दिया और बोला, हमारे लिए एक भगवान बनाओ। और हारून बोलता है, मैंने वो आग में डाला सोना और वहां से एक सुनहरा बछड़ा उत्पन्न हो गया। देखा भाई बहनों, आज मसीह लोग कितना सोना का प्रेम करता है कि ये सोना के द्वारा हमारे जीवन में सब मूर्ति पूजा ही चलते है। सोना मतलब मूर्ति पूजा। भाई बहनों, हमें समझना चाहिए कि ये लोगों ने क्या बोला था। उन्होंने बोला था, जो परमेश्वर
परमेश्वर ने बोला वैसा हम करने के लिए तैयार है, ये तैयार थे, लेकिन वो नियम शास्त्र का करार में कोई शक्ति नहीं था उनको मदद करने के लिए परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार चलने 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 में। तो भाई बहनों, जब भी हमारा सही नया जन्म नहीं होता है, हमको पवित्र आत्मा नहीं मिलता है, कितना ही भी प्रार्थना करो, और कई लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, शैतान का भी अन्य भाषा है, लेकिन भाई बहनों पवित्र आत्मा का ये शक्ति हमको नहीं मिलता है। कभी मालूम पड़ता है हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सिर्फ अन्य भाषा में प्रार्थना करने से नहीं, हमको हमारा पाप के ऊपर विजय मिलना चाहिए, हम नम्र बनना चाहिए। ये नहीं होता है तो इसका मतलब हमारा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ ही नहीं, और हुआ तो उसका कुछ फायदा ही नहीं। भाई बहनों, और एक बात हम देखेंगे, यशुआ यशुआ 3:4-5, यहोशुआ अध्याय 3:4-5, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2,000 हाथ के लगभग अंतर रहे, तुम संदूक के निकट न जाना ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। फिर यहोशुआ ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। शलोम, देखो भाई बहनों, जब भी एक करार का संदूक ये होली ऑफ होलीज पवित्र स्थान अति पवित्र स्थान में रखा गया था, एक पर्दा था जो अति पवित्र स्थान दूसरा जगह से अलग था, ये पवित्र स्थान में कोई नहीं जा सकता था। क्यों? क्यों वहां करार का संदूक है, परमेश्वर का उपस्थिति है, उसको कोई छू भी नहीं सकता था। सिर्फ साल में एक बार महायाजक जाके वहां बलिदान करता था जानवर का। क्यों ऐसा? क्यों भाई बहनों, पुराना करार में कोई उद्धार नहीं होता है, नया जन्म नहीं होता है, ये सब लोग पापी है, इसलिए परमेश्वर ने उनको दूर रखा करार का संदूक से, सिर्फ महायाजक को अनुमति दिया। भाई बहनों, हमने समझना चाहिए क्यों परमेश्वर बोलता है 2,000 हाथ दूरी रखना, क्यों? पवित्र परमेश्वर है, कोई नजदीक नहीं आ सकते पुराना करार में। 2 Samuel 6:3-8, 2 Samuel 6:3-8 तक, तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अभिनादाब के घर से निकाला, और अभिनादाब के उज्जा और अहियो नामक दो पुत्र उस नई गाड़ी को हांकने लगे, और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अभिनादाब के घर से बाहर निकाला, और अहियो संदूक के आगे आगे चला। दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा सारंगिया डफ डमरू झांज बजाते रहे। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया,
क्योंकि बेलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ इसीलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था और उसने उस स्थान का नाम परेसुज्जा रखा। यह नाम आज के दिन तक विद्यमान है। शालोम भाई बहनों, दाऊद का मन इरादा सही था, लेकिन वो परमेश्वर का जो निर्देश है उसके अनुसार नहीं चला। परमेश्वर ने बोला था उसको जो संदूक का करार का संदूक है उसको कौन हाथ लगा सकते है, कौन वो उठा सकते है। दाऊद ने सही रीति से नहीं किया, किसी को ही पकड़ा वो बोला उठाओ तो क्या हो गया, बैल का पैर फिसल गया और ये संदूक नीचे गिरने वाला था, ये उज़ा ने उसको पकड़ लिया। बेचारा उसने ही भी सही मन से सही दिल से किया, लेकिन इधर सही दिल और सही इरादा नहीं चलता है, ये पुराना करार है। परमेश्वर का जो आज्ञा है निर्देश है उसके अनुसार करना है। परमेश्वर ने उसको मार डाला, ये लोगों का उद्धार नहीं हुआ था, ये पुराना करार है। हम समझना चाहिए जो नया करार का मसीह है उनका सौभाग्य कितना महान है। एक बार परमेश्वर मूसा को प्रकट करना चाहता था तो मूसा परमेश्वर को बोलता है मैं आपका ये जो ज्योति है रोशनी है मैं नहीं देख सकता हूं, आपका चेहरा मत दिखाओ, आपका पीठ मुझे दिखाओ। और परमेश्वर मूसा के बारे में बोलता है वो एक ही व्यक्ति है जिसके साथ मैं आमने सामने बात करता हूं। इतना पवित्र है परमेश्वर। हमको अभी क्या हो गया, आदत हो गया, हम नया करार का महत्व नहीं समझते है और हमारा नया करार में प्रवेश हुआ ही नहीं, नया जन्म हुआ ही नहीं, हम ऐसा ही नामदारी मसीह बन गया, धार्मिक मसीह बन गया और ये दुनियादारी मसीह बन गया। अभी नया करार में परमेश्वर का वचन क्या बोलते हैं हम देखेंगे, एक तिमती 6:16 पढ़ेंगे। एक तिमतियों अध्याय 6:16 और अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है, उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग रहेगा। आमीन। अगमी ज्योति में वो रहता है, जी रहे है परमेश्वर, कोई उसका सामने नहीं जा सकते। भाई बहनों अभी पढ़ेंगे इब्रानियों 4:16। इब्रानियों अध्याय 4:16 इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। शालोम, कितना फर्क भाई बहनों, जैसा हम नया करार में प्रवेश करते हैं अनुग्रह का करार के द्वारा, परमेश्वर हमारा पाप क्षमा करते हुए हमको पवित्र बनाते हुए
हमको नित्यमान बनाते हुए प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमको शुद्ध किया गया है, हमको पाप का क्षमा मिला है, हमको अनंत काल जीवन मिला है। परमेश्वर का ये जो करार का संदूक हमारे अंदर है, जिन्होंने सही रीति से ये करार किया और नया जन्म पाया, उनको बोलता है तुम आ जाओ, पूरा यौ के साथ आ जाओ, डरना मत। अभी वो जो मंदिर का पर्दा था, वो प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर मर गया तभी वो फूट गया, फट गया और हमारा प्रवेश खुला हो गया। ये नया करार है, ये अनुग्रह का करार है भाई बहनों। हम इतना यौ के साथ जा सकते हैं। याकूब 4:8 बोलता है, याकूब अध्याय 4:8, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। परमेश्वर बोलता है तुम मेरे पास आएंगे, मैं तेरे पास आएगा, लेकिन मेरे पास आने के लिए पहला तुम शुद्ध होना चाहिए, तुम्हारा नया जन्म होना चाहिए। क्यों? जिनका नया जन्म नहीं होता है, ये लोग पुराना करार का लोग है, ये मर जाएंगे, परमेश्वर मार डालेगा, उनको कुछ आशीर्वाद नहीं मिलते है। तो भाई बहनों हमने समझना चाहिए करार कितना महत्वपूर्ण है। सही रीति से करार करते हुए हम प्रभु यीशु के साथ शादी करना है, हमको हमारा नया जन्म होता है, पाप क्षमा मिलता है, हमारा जो शैतान का स्वभाव है, ये पुराना मनुष्य वो क्रूस के ऊपर चढ़ाते है। भाई बहनों नया मनुष्य हम समझना चाहिए, नया नया है, पुराना शर्ट को लेबल लगा के वो न्यू नया नहीं बोल सकते। न्यू का मतलब नया का मतलब नया है, तो हम ये समझना चाहिए। जब भी हमारा सचमुच नया जन्म होता है, हम नया मनुष्य बन जाता है, प्रभु का बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं। आज क्यों नहीं होता है? क्यों हम बराबर तैयारी नहीं करते है? ये जो जो गलत पास्टर है जल्दी जल्दी बोलते है, पास्टर जो मेंडिस नहीं देता है तुमको बपतिस्मा हम देंगे, आ जाओ। मूर्ख लोग है भाई बहनों, ये हम समझना चाहिए कि हमको प्रतिज्ञा का देश में जाने के लिए हमको करार का संदूक का जरूरी है, ये करार करना जरूरी है। ऐसा ही बपतिस्मा नहीं ले सकते, ये क्या कोई ये नहीं है, मैजिक नहीं है। बराबर तैयारी, बराबर समर्पण, बराबर पवित्रता हमारे जीवन में होना जरूरी है। और अंतिम मैं और एक बात तुमको सिखाना चाहता हूं, योशुआ 4:7। यहोशुआ अध्याय 4:7 पढ़ेंगे, तब तुम उन्हें यह उत्तर दो कि यर्दन का जल यहोवा की करार के संदूक के सामने से दो भाग हो गया था, क्योंकि जब वह यर्दन पार आ रहा था तब यर्दन का जल दो भाग हो गया, अतः वे पत्थर इज़राइल को सदा के लिए स्मरण दिलाने वाले ठहरेंगे। भाई बहनों ये एक नई बात है, परमेश्वर उनको बोलता है, ये जो गोत्र का लीडर है, कि ये लोगों ने हर एक जन ने एक पत्थर उठाना है यॉर्दन नदी का बीच में से जिधर ये संदूक खड़ा था।
और उनको बोला यहां ये खड़ा करो ताकि ये तुम्हारा जो पार होने का जो घटना हुआ उसका यादगार बनने के लिए, उसका एक स्मरण बनने के लिए, ताकि वो पढ़ा आपने कि बच्चे पूछेंगे तभी क्या बोलने गए बच्चे। हाँ पद छ, जिससे ये तुम लोगों के बीच चिन्ह ठहरे और आगे को जब तुम्हारे बेटे ये पूछे इन पत्थरों का क्या मतलब है। क्या मतलब है भाई बहनों, जैसा ये लोगों का बीच में परमेश्वर ने 12 पत्थर उधर खड़ा किया यादगार बनने के लिए, जब भी हमारा नया जन्म होता है हमारा यादगार क्या है? हमारा यादगार एक अंगूठी होते है, एक करार का अंगूठी है, जैसा संसारी शादी का करार का एक अंगूठी होता है वैसा ही हम प्रभु यीशु मसीह के साथ करार किया, करार का शादी किया, उसका एक यादगार का जरूरी है। और मुझे लगता है कि ये एक नया एक अंगूठी के द्वारा, जब भी हम ये अंगूठी डालेंगे हमको कोई भी पूछ सकता है, हमारा बच्चे पूछ सकता है, हमारा रिश्तेदार पूछ सकता है, हमारा दोस्त बन सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मैंने प्रभु यीशु के साथ शादी किया, उसके साथ मैं शादी का करार बनाया, मैं उसके और विश्वास योग्य रहता हूं, उसके साथ मेरा पूरा समर्पण है, मैं प्रभु यीशु के लिए जी रहा हूं। पहला मेरा जीवन ऐसा था, परमेश्वर ने महान काम किया मेरा जीवन में। भाई बहनों, हमारा एक सुसमाचार प्रचार करने के लिए एक जरिया होता है, हमको एक चांस मिलता है। तो भाई बहनों, ये करार का फायदा है भाई बहनों, ऐसा हम करार करेंगे और करार का जीवन जिएंगे और हमेशा ये अंगूठी हमको हमारा जीवन में याद दिलाएगा कि एक दिन मैंने ये शादी प्रभु यीशु के साथ किया है, मैं अविश्वासी नहीं बन सकता हूं, मैं प्रभु यीशु के लिए जीना चाहता हूं। जैसा एक पति पत्नी एक दूसरे के लिए जीना चाहते हैं वैसा हमारा जीवन होना चाहिए, तभी हमको बोल सकता है हम मसीह। मसीह मतलब क्या है? हम अभिषेकित है। क्रिश्चियन का मतलब क्या है? कि हमारे अंदर एक पवित्र आत्मा का अभिषेक है। ना तो हम क्रिश्चियन भी नहीं है, हम अभिषेकित भी नहीं है। मेरा यही प्रार्थना है भाई कि आज और मसीह लोग समझे और हमारा जो लीडर है प्रचारक है ये समझे करार का मतलब क्या है, अर्थ क्या है और कितना करार कैसा करना है, कितना उसका जरूरी है। और हमारा मसीह जीवन करार का जीवन होना चाहिए जो अनुग्रह का करार है, नियम शास्त्र का करार नहीं। ऐसा हम करेंगे तो भाई बहनों, ये जो ये घटना के द्वारा परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है उसका हमारे जीवन में बहुत फायदा हो जाएगा। मेरा यही प्रार्थना है कि प्रभु हमारा आंखें खोल देगा, हमारा दिल को छुएगा और प्रभु का सही मसीह, प्रभु का सही शीश, प्रभु का सही योद्धा और प्रभु यीशु मसीह का सही दुल्हन हम बन सके, ये मेरा प्रार्थना है। परमेश्वर तुमको आशीर्वाद दो। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं आपका महान प्रेम के लिए कि जो परमेश्वर आगामी ज्योति में रहता था
आज परमेश्वर देहधारी हुआ, मनुष्य का बेस उसने लिया, धारण किया और हमारा बीच में जिया। आज प्रभु यीशु के पास हम जा सकते हैं, पूरा याव के साथ जा सकते हैं। क्यों? हमने प्रभु यीशु के साथ ये शादी का करार किया और पानी में बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिया, हमारा पाप पूरा क्षमा हुआ, हम नया मनुष्य बन गए, नया जीवन हमको मिला, अनंत काल जीवन हमको मिला। परमेश्वर, हम प्रभु यीशु का नाम से आपसे विनती करते हैं, ये समझने के लिए हमको एक प्रकाशन दे दो प्रभु, हमारा मन खोल दो प्रभु, और एक इच्छा दे दो प्रभु कि हम ऐसा ही साधारण मसीह नहीं बनेंगे, हम एक सही मसीह बनेंगे, हम क्रांतिकारी मसीह बनेंगे, हम कड़क मसीह बनेंगे, कड़क शिष्य बनेंगे, ये दुनिया का ज्योति बनेंगे, पृथ्वी का नमक बनेंगे, सही गवाह बनेंगे, और हमारा जीवन शैली के द्वारा हम संसार को सुसमाचार प्रचार करेंगे, हम संसार से अलग हो जाएंगे, संसारी लोगों से अलग हो जाएंगे, सब लोग हमको देखने में उनको मालूम पड़ेगा ये व्यक्ति अलग है, हमारा जैसा नहीं। ये अनुग्रह हमको दे दो प्रभु, ये सौभाग्य हमको दे दो प्रभु, और सही करार करने के लिए हमको मदद करो प्रभु। अपने ये वचन के द्वारा हमसे बात किया, प्रार्थना करता हूं कि हमारा दिल को आप छुओ, पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात करो और सही पश्चाताप के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम से करता हूं, आमेन।